हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एमसीसी का फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। एंड ऑल्सो उसके दोस्तों प्रेफरेंस लिस्ट के भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो काफ़ी सारे भाई लोग पूछ रहे थे, उन्होंने चॉइस फिलिंग में लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो क्या करें। दोस्तों आपकी चॉइस फिलिंग में जितनी आपने चॉइस प्रेफरेंस भर दी थी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है, पहली बात तो ये है। अब हम बताते हैं दोस्तों जो एमसीसी काउंसलिंग की तरफ से जो बिग अपडेट ये आ रहा है दोस्तों, काफ़ी सारे स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। हमने चैनल पे ऑलरेडी इंडिविजुअल स्टेट के काउंसलिंग की वीडियो बना दी गई है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट काउंसलिंग कब होगी दोस्तों, आपको पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हम आपको बताएंगे इस बार आयुष काउंसलिंग के लिए बारे में और दोस्तों बीएससी नर्सिंग के लिए बारे में। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे दोस्तों कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब से होंगी। दोस्तों राउंड टू से आपकी बीएससी काउंसलिंग नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन दोस्तों राउंड फर्स्ट की कंप्लीट होगी, राउंड सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका कुछ दिनों बाद। और उसके बाद दोस्तों आपको हम बताएंगे एक आयुष काउंसलिंग की तरफ से एक बिग अपडेट आया है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे EEEC आयुष काउंसलिंग ओपन करेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे स्टेट्स की इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है। अभी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की तरफ से दोस्तों एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि आपने सेंडीज ऐप को डाउन कर लेना है। इन केस दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो ऐप को डाउन करने में तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको कोई भी अपडेट आते हैं आपको बता देंगे। और काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, उनके बहुत ही नंबर कम आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट ऑफ किया उन्होंने, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों आपने क्या करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके बिल्कुल ही नंबर कम आ रहे हैं, तो आपने कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको BMS मिल सकता है, BHMS मिल सकता है और BSc नर्सिंग मिल सकती है। और BBSC के रजिस्ट्रेशन दोस्तों राजस्थान में स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको दोस्तों वेटरनिटी करनी है तो वहाँ पे कर सकते हैं। और काफ़ी सारे भाई लोग पूछते हैं भाई वेटरनिटी बढ़िया रहता है या BMS बढ़िया रहता है, तो देखिए दोस्तों अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। किसी भाई को वेटरनिटी अच्छा लगता है तो वेटरनिटी में जाए। हाँ, बात यह है सीधा सीधा आपकी दोस्तों जो फीस रहने वाली है और जो दोस्तों आपकी इनकम रहने वाली है वो BBSC में ज़्यादा है। सीधा सीधा बात है दोस्तों, BBSC में आगे बड़ा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू इनकम सोर्स ऑफ BMS। इसके अलावा हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है काफ़ी सारे स्टेट्स की काउंसलिंग की तरफ से। आपकी उत्तराखंड में स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, पंजाब की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रखी है। महाराष्ट्र में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। राजस्थान में BBSC का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हो गए हैं, तो आपने भाई लोग जिस भाई को रजिस्ट्रेशन बाकी है वो पूछ लीजिए कमेंट करके। और MBBS की काउंसलिंग की फ़ीस भी दोस्तों आप जान सकते हैं इस साल से बढ़ गई है दोस्तों। डीम यूनिवर्सिटी के लिए 1 लाख थी पिछले साल से, अब से 2 लाख रुपये होने लग गए डीम यूनिवर्सिटी के लिए। और किस भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका राउंड टू में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाते हैं दोस्तों। इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप जैसे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे इसका शेड्यूल मिल जाएगा दोस्तों, बुलेटिन वगैरह यहाँ पे पहले से अपडेट किया गया है दोस्तों। जो ओपनिंग है क्लोजिंग रैंक है 2022-23 की वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। PDF डाउनलोड करने के बाद आपके मोटा मोटा आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, जैसे कि आपके कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था पिछले साल का। ये पूरी PDF है दोस्तों जो कि EEEC की वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको। इसके अलावा दोस्तों MBBS BDS के हमने पहले कोर्सेज की फ़ीस बता दिया है। BMS के दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से लेके 4 लाख तक फीस है। आप दोस्तों कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ आप क्वायरी हो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।